यात्रियों के प्रस्थान के बाद ही आप अपनी सीट से उठें। आपका और आपके सह यात्रियों की सुरक्षा के लिए है। धन्यवाद। रिक्वेस्ट टू अटेंशन प्लीज, कस्टमर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन सीटेड। छोटा सा टूर जो कि एक दिन का टूर होगा, और सुबह सुबह मेरी फ्लाइट थी, तो फ्लाइट जो कि दमदम में थी, तो दमदम से मैंने फ्लाइट पकड़ा और सुबह 4:30 बजे ही मैं घर से निकला हुआ हूँ। फ्लाइट मेरी जबकि 7 बजे थी। तो एयरपोर्ट की जो एक्सपीरियंस रही वो है, यह भी एयरपोर्ट में खतरनाक चेक चल रहा है, जैसे कि कोरोना का चेक है, सिक्योरिटी चेक तो आपको पता ही होगा, तो कोरोना का चेक है। आपको सब मास्क और जो ग्लास होता है, फेस ग्लास, वो सब मिल जाएगा वहीं से, और बाकी आपका टेस्टिंग वेस्टिंग होता है। मैं हूँ एक दिन के टूर में, तो मैं जिस जगह में हूँ इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और आपको ही पहचानना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं जहाँ भी हूँ ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बताने वाला नहीं। जो भी कमेंट अगर सही बता सकता है तो बताइए, कि कमेंट अगर सही होगा तो मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि हाँ मैं वहीं पे था। मैं आपको जो जो जगह दिखाऊंगा उससे आप गेस करिए कि मैं कहाँ पे हूँ। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना वीडियो। आप सबका स्वागत है रोड टू वंडर चैनल पे। मेरा जहाँ पे काम था मैं वहाँ आ गया। वहाँ पे होटल खोजते खोजते करीब आधा घंटा बीत गया। आधा घंटा मतलब इधर उधर जाए, मतलब जिस एरिया में मैं आया हूँ उस एरिया में कोई भी होटल नहीं। तो लास्ट में गूगल सर्च में मेरे को मिला हुए, तो 1000 रुपया में एक दिन का आपको रूम मिल जाता है यहाँ पे। और सर्विस आप देख सकते हैं, चादर में भी ओयो ओयो लिखा हुआ है। इधर टीवी मिल जाता है आपको, मतलब सर्विस अच्छा है। खाना वाना अगर लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। खिड़की का व्यू कुछ इस तरह है हमारे ओयो के बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं। नॉर्मल सी शांत शांत सी जगह है। तो हम घूमते घूमते आ गए हैं इमामबाड़ा, और बहुत ही बड़ा है हवेली, लगता है कोई राजा का हवेली है, पता नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे यहाँ पे क्या है एक्चुअली। बहुत ही सुंदर है लेकिन बहुत पुराना हो चुका है। बताइए बताइए, जो बताना है बताइए। तो ये जो है हमारे साथ वो है हमारे गाइड, जो कि यहाँ पे आपको 100 रुपया लगता है। अगर कोई गाइड चाहिए, अगर बिना गाइड के आप घूमिएगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ का जो असली कहानी है
जो राजा की जो कहानी है इस हवेली पे, ये आपको नहीं पता चलेगा। इन शीशों का मतलब यही था कि उस समय इनके सामने दिया जला दिया जाता था, जिससे कि पूरे हॉल में उजाला हो जाता था। ऐसी जो आईने हैं वो चारों साइड भी लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा हॉल है जैसा कि आप देख सकते हैं। इस हवेली की दीवार को इस तरह से बनाया गया था कि इन हवेली के दीवार के बीच में गुफाएं थी, जिसमें हजार गुफाएं थी जो कि भूल भुलैया जैसी थी। जो भी इन दीवार में जाता था सिवाय राजा के और राजा के परिवार के, तो इसमें जाके गुम हो जाते थे। इसीलिए इसको ऐसी बनाई गई थी कि दुश्मन अगर हमला भी करे तो इस दीवार में फंस के रह जाए और निकल ना पाए। और इन दीवार को जो बनाया गया था वो सभी खाना बनाने वाले चीज़ों से बनाया गया था, जैसे कि चावल, गेहूँ। ये सुरंग के रास्ते गए हुए थे, आपसे बता रहे हैं अंडरग्राउंड रोशनी डालिए। ये सब सुरंग के रास्ते देखिए अंडरग्राउंड गए हुए थे, सब बंद करा दिया गया। चलिए आगे बढ़िए, आगे खड़े होइए। हम खड़े इन सुरंग में ऐसी खिड़कियां हैं जो कि आपको पूरे पहाड़ का जो नज़ारा है वो दिखा देगी। ये जो खिड़की है वो पूरे मेन गेट से दिखाई पड़ती है, और एक्चुअली ये मेन गेट करीब 1 किलोमीटर दूर में है, और यहाँ से इस सुरंग के अंदर से ये पूरे अच्छे से दिखाई पड़ती है। शायद आपको कैमरा में नहीं दिखाई पड़ रहा हो। सिस्टम बना दिया है, जो भी आदमी आएगा उल्टा तो उसके चेहरे सफा दिखाई देंगे और उनके कपड़े भी आपको दिखाई देंगे। तो यही था ईमान बाड़ा। तो चलते हैं अब होटल के तरफ, अब मिलते हैं होटल में। तो आ गए हम अपने रूम में। तो अपने रूम की हालत आप देख सकते हैं, पता ही है जब कोई लड़का अगर रूम में रहेगा तो क्या होगा। फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया इसको ठीक रखने का। तो ये गले के फंदे निकालो यार यहाँ से। तो अपना काम करके मैं आ गया, जो काम थी छोटी मोटी वो काम मैंने कर ली आज। तो आज फिर से रिटर्न बैक। तो उससे पहले मैं कहीं और जाऊँगा, तो उस जगह का भी ब्लॉक कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में। धन्यवाद। होई 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 होई, ये रहा जगह।